जी बच्चों वापस आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। एक मिनट बस, ये हम बात मुकम्मल कर लें। जो सवाल एहसन भाई ने पूछा था अभी बता देता हूँ, बस अब तेजी से बताऊंगा क्योंकि फिर ऐसा ना होना कि वक्त ना बचे। अल्लाह प्यारे बच्चों, वो कह रहे जर्नल एंट्री बनाओ एक ही जाने की फॉर्म से, और जब कुछ नहीं बताया तो जाने वाला ज्यादा पैसे किस चीज की वजह से लेके जाता है बोलो। तो इसका मतलब है वो ज्यादा पैसे लेके जा रहा है गुडविल की वजह से। नहीं भाई अंजी अब्दुल करीम, जब ज्यादा पैसे लेके जाए तो गुडविल होती है, और जब कम पैसे लेके जाए तो और कुछ ना बताए तो बोनस होता है। सही है, एडमिशन में जब वो ज्यादा पैसे लाए या कम लाए तो वहां पर गुडविल ही होती है, लेकिन रिटायरमेंट में जब वो ज्यादा पैसे लेके जाए तो गुडविल और कम पैसे लेके जाए तो बोनस, क्योंकि कम में गुडविल पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? ओके तो बेटा आपने इसकी गुडविल की मदद से फर्म की गुडविल निकाल ली। जोएब भाई निकाली, कैसे निकाली? आपने लिखा अपना मोहतरम ए, ए कैपिटल कितना है 260,000, पेमेंट टू ए 280,000, 20,000 रुपए गुडविल ऑफ ए, 20,000 रुपए गुडविल ऑफ ए। उसके बाद 20,000 को मल्टीप्लाई बाय टोटल गुडविल ऑफ फर्म, 20,000 मल्टीप्लाई बाय कितने हिस्से होंगे टोटल प्रॉफिट लॉस के, कितने हिस्से होते हैं भाई मोहतरम? 10। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय ए, कितने हिस्सों की गुडविल ले रहा था? ए को जो गुडविल मिली वो कितने हिस्सों की है? तो 5 से डिवाइड कर दिया, 40,000 रुपए गुडविल आ गई सबके पास। कंपटीशन शो करूं भाई इसकी, हैं? कंपटीशन शो करूं, हैं? देखो जैसे ही कंपटीशन हुई थी तुमने लिखा यहाँ पे इसी के अंदर पेमेंट टू ए 2,60,000 लेस ए कैपिटल 2,60,000, गुडविल ऑफ ए आ गई 80,000 और 20,000। गुडविल ऑफ ए 20,000 लिखने के बाद टोटल गुडविल ऑफ फर्म 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5, 40,000 रुपए। आप सबने मुझे जवाब बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टोटल गुडविल ऑफ फर्म 40,000 रुपीज। ओके बच्चों, अब आपने एंट्री बनाई, अगर आप एंट्री भी सुनना चाहते हैं तो जरूर सुनिए, एंट्री तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको एंट्री से तो पहचाननी है एमसीक्यूज में। अच्छा, आप सबसे पहले हमने गुडविल रिकॉर्ड की, एंट्री बनाई गुडविल डेबिट, एंट्री बनाई गुडविल डेबिट, कितनी गुडविल 40,000। उस 40,000 गुडविल में एक ही गुडविल है 20,000, ए कैपिटल क्रेडिट 20,000, बी कैपिटल क्रेडिट और सी कैपिटल क्रेडिट। बी कैपिटल क्रेडिट हुआ कितने से प्यारे बच्चों? बी कैपिटल क्रेडिट हुआ 12,000 से। 12,000 कैसे आया? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10, 12,000। और सबसे आखिरी वाली की 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, 8,000 रुपए गुडविल की वजह से उसके कैपिटल में भी हो गया इजाफा। बहुत बहुत शुक्रिया राफे साहब आपका, आपने तीनों को एक साथ प्रॉपर अंदाज में लिख के भेजा। अब रिक्वायर्ड 1 के मुताबिक एक ही रुख्सती हो सकती है, ए कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट 2,80,000 रुपए। ये हो गया केस 1। अब केस 2 में सिर्फ अंग्रेजी का एक जुमला लिखना है, सिर्फ एक जुमला लिखना है अंग्रेजी का। और क्या बोल रहा है? गिव रीजन
that might cause A to receive a bonus. क्या रहा है वो वजह बताओ जिसकी बिना पर A को लेना पड़े या A को मिले, क्या मिले? बोनस मिले। तो क्या वजह होगी कि A को बोनस मिलेगा, वो वजह बतानी है। Give reason that might cause, जो कि मुमकिन हो, तो बताओ क्या वजह होती है? नहीं भाई मेरे दोस्त, सवाल समझो। वो कह रहा है पहले केस में तो हमने ये कह दिया ना, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो गुडविल, लेकिन अब वो केस टू में बोल रहा है कि वजह बताओ कि अगर ए को गिव रीजन दैट माइट कॉज ए टू रिसीव अ बोनस, वो वजह बताओ जिसकी बिना पे ए को बोनस मिले, गुडविल ना रिकॉर्ड हो बल्कि क्या मिले, उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या बात है भाई, छा गए एहसन मोमिन साहब, छा गए आप, अमसल जलालुद्दीन छा गए। नहीं हरीम साहिबा, ऐसा नहीं है। नहीं यशल, इतना सिंपल जवाब है इसका। आप एहसन मोमिन को और हरीम अपना अमसल को मैंने क्यों अप्रिशिएट किया? नहीं भाई, तुक्के लगा रहे हो तुम लोग, तो हसन साहब तुक्का लगा रहे हैं। हुसैन रजा, सवाल ये है बेटा, ये अंग्रेजी में लिखा है ना एक जुमला मेरा बच्चा, इसका तर्जुमा करता हूँ उर्दू में। मेरे दोस्त यहाँ लिखा है गिव रीजन, वजह लिखो, वजह बताओ दैट माइट कॉज ए टू रिसीव अ बोनस, जिसकी बिना पर ए को मिल रहा है बोनस, वो वजह बताओ जिसकी बिना पे ए को बोनस मिलेगा या मिलता है। तो उसकी वजह इतनी सिंपल सी है, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल्स। मासूमा थैंक यू सो मच। सर समझ में नहीं आया, क्लियर करूं इसको? बेटे जब रिमेनिंग पार्टनर्स कहें कि हम एक फर्जी चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको ज्यादा पैसे दे देते हैं, तो वो फर्जी चीज गुडविल होती है। लेकिन जब रिमेनिंग पार्टनर कहें हम कोई फर्जी ख्याली चीज रिकॉर्ड करना नहीं चाहते, उसे ज्यादा पैसे दे दो और हम अपने कैपिटल कम करने को तैयार हैं, हम अपने पैसों से उसे ज्यादा पैसे देंगे, तो वो यही पूछ रहा है गिव रीजन दैट माइट कॉज ए टू रिसीव अ बोनस, वो वजह बताओ जिसके बिना पे ए को बोनस मिलता है। तो ए को बोनस मिलता है जब रिमेनिंग पार्टनर्स अपने कैपिटल को कम करते हैं, ये है वजह, सही है। अब क्वेश्चन 8 के बाद फरमाइश आई 13 की भाई। हरीम बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई सवाल अब तक मेरा बच्चा? फरवा समझ तो नहीं आ रहा मेरा बेटा, फरवा बनीन, जुमरात की अपना बुध की छुट्टी कैसी रही? आवाज आ रही है मेरी बनीन बेटा? वेडनेसडे को ऑफ किया, खूब एंजॉय किया, वेरी गुड। फरबा सो गई? फरबा से पूछ रहा हूँ, हरीम से पूछ रहा हूँ, इन दोनों को आवाज नहीं आ रही लग रहा है। ओके फिर मैसेज करना पड़ेगा सबको मुझे, है ना? ओहो अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह तआला सेहत दे। हरीम आपको मेरी आवाज आ रही है? समझ आ गया ये चैप्टर आसान है या मुश्किल है? चलो बहरहाल मेरा ख्याल है हरीम क्लास में है नहीं, या फिर पता नहीं उसको आवाज नहीं आ रही है। तो जब हरीम को आवाज आ जाएगी तो फिर वो खुद बता देगी।
हनी मैसेज टाइप नहीं हो रहा तुमसे? चलो क्वेश्चन 13 बोल लेते ना आप लोग। क्वेश्चन 13 बोला था आपने, बता दें सर कौन सा क्वेश्चन बोला था, जल्दी बोलो। अंजिया, अच्छा क्वेश्चन 13 में क्या आया, देखें फटाफट क्वेश्चन 13 देखते हैं सब बच्चे क्या रहे हैं। क्वेश्चन 13 में केस भी देखना है। अच्छा तेजी से सवाल पढ़ लेते हैं। कौन कौन मालिक है बताना भाई? उमर महमूद और आफाक है ना, बराबर के मालिक है 60, 80 और 30,000 रुपए के। और क्या था, उमर रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप एंड रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू द बिजनेस बिफोर रिटायरमेंट ऑफ उमर एसेट्स वर रिवैल्यूड एंड गेन 30,000 वाज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट। तो 30,000 रुपए का गेन हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट में और वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले एंट्री क्या बननी चाहिए बोलो? रिवैल्यूएशन में फायदा पड़ा हुआ है ना, गेन पड़ा हुआ है, किस साइड पे पड़ा हुआ हो? गेन किस साइड पे होता है भाई? नहीं बेटा, गेन कब होता है, गेन कब होता है? जब गेन तब होता है जब इनकम ज्यादा होती है भाई। गेन इनकम के जैसा होता है, क्रेडिट में होता है मेरे दोस्त, उसे बांटते हुए कहां लिखोगे? क्रेडिट में तो होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप डेबिट लिखो। गेन क्रेडिट में होता है, इनकम के जैसा है, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप। तो सर एंट्री बनाने को कहा है, रिक्वायर्ड ही पढ़ो लिखा है, प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, एसेट के रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करो, सही है, एसेट के रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री बनाओ। तो एसेट को रिवैल्यू कितने का किया, ये सवाल में हमें इससे गर्ज नहीं है, बस वो कह रहे हैं कि एसेट को रिवैल्यू करने से 30,000 रुपए का क्या हुआ बताओ? गेन हुआ। तो वो गेन किस अकाउंट में होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। किस साइड पे होगा बच्चों? क्रेडिट साइड पर। आपने उसे किया डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स के कैपिटल क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट। बहरहाल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया और तीनों की कैपिटल क्रेडिट होगा और इक्वल पार्टनर थे तो 10,000 से तीनों के कैपिटल में हो गया बोलो इजाफा। अब रिक्वायर्ड टू पढ़ो, क्या लिखा है? रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ उमर इफ ही पेड रुपीज कितना बोलो फ्रॉम द फर्म रिसोर्सेज, और आगे लिखा है कौन सा मेथड। अच्छा अब ये बताओ कि वो कितने का मालिक था उमर, जल्दी से? 60,000 का मालिक था उमर। और ये जो अभी अभी रिवैल्यूएशन का गेन हमने बांटा, इसको बांटने से उमर का कैपिटल कितने से बढ़ा? 10,000। तो अब उमर कितने का मालिक बन गया? और वो कह रहा है कि उमर के जाने को रिकॉर्ड करो, अगर हमने उसे दिए कितने, वो मालिक था नहीं 70 का मालिक बन गया था ना, रिवैल्यूएशन से उसे हुआ था फायदा, लेकिन वो 70 के बजाय लेके जा रहा है। बेटा बोनस लेके जा रहा है ना, तो 20,000 रुपए बोनस लेके जा रहा है वो, तो ये 20,000 बोनस उसे कौन दे रहे होंगे? बस तो अब आपको 20,000 रुपए बोनस पता चल गया। दोबारा बोलूं एक बार, देखो सबसे पहले आप अगर आप कंप्यूटेशन शो करना चाहते हो, लिखो कंप्यूटेशन फॉर बोनस ऑफ अपना क्या नाम है इसका, उमर, सही है। सबसे पहले लिखो इसका कैपिटल था कितना और रिवैल्यूएशन की एंट्री ने इसके कैपिटल को, तो 60 + 10 = 70,000 हो गया, तो लिखो उमर कैपिटल 70,000 लेस पेमेंट टू उमर, जबकि उमर को हम दे रहे हैं कितने रुपए, तो 20,000 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, और उस 20,000 के बारे में उसने बोला हुआ उसे बोनस समझो, सही है।
अच्छा 10,000 जो ऊपर फायदा हुआ है वो तुम ऑलरेडी बांट चुके हो, पहले एंट्री बना के वो 10,000 फायदा बांट चुके हो, याद हो। तो अब ये 20,000 रुपए का गेन जो मिलेगा उमर को, ये किन्होंने दिया रिमेनिंग पार्टनर, और वो किस तरह दिया, उन्होंने अपने कैपिटल को कम किया और इसको पैसे ज्यादा दे दिए, सही है। क्या एंट्री बननी चाहिए बच्चों, क्या एंट्री बननी चाहिए? उमर कैपिटल डेबिट 70,000 रुपीस, उमर कैपिटल डेबिट 70,000 रुपीस। कितने रुपए एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं उमर बताओ, हाँ बेटा उमर कितने रुपए लेके जा रहे हैं? 90,000, जबकि मालिक कितने का है अभी, इसका मतलब है 20,000 रुपए ज्यादा लेके जा रहे हैं, या तो फायदा या फिर, तो अभी क्या है ये फायदा, तो उसे फायदा हो रहा है क्योंकि उसे कौन ये फायदा पहुंचा रहे हैं, तो रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल हो जाएंगे कम। तो कौन कौन था रिमेनिंग पार्टनर देख के बताओ, महमूद और आफाक, इन दोनों के कैपिटल में होगी कमी और इनके कैपिटल कम होंगे तो कहाँ लिखेंगे डेबिट, तो लिखो डेबिट में। अल्लाह अकबर, क्या एंट्री बन गई फाइनली? अब मेरा ख्याल बहुत डिले हो गया, आपने एंट्री बना दी केस टू की, हाँ जी आप बताएंगे एंट्री क्या बनाई आपने, हाँ जी अब्दुल करीम एंट्री क्या बनाई आपने बी पार्ट के मुताबिक, हाँ जी आप, हाँ जी को मेरी आवाज आ रही है, अभी बोनस निकालना पड़ेगा, अरे अभी बता तो दिया बोनस 20,000 है बेटा, फिर क्यों निकालना पड़ेगा अंजिया, क्या हो गया, अभी तो समझाया 60,000 रुपए का मालिक था, रिवॉल्यूशन से 30,000 का फायदा हुआ, 10,000 इसके हिस्से में आया, 60 से 10,000 प्लस हो गए, ये बन गया 70,000 का मालिक, रिक्वायर्ड बी में क्या रहा है उसे मिल रहे हैं 90,000, और जो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं वो क्या है बोनस मैथड, एंट्री बताना चाहेगा आप में से फाइनल एंट्री, ऑनलाइन वालों में से कोई फाइनल एंट्री बताना चाहेगा सर? सर अली रजा साहब, सर महमूद कैपिटल डेबिट होगा 13,334 से, किसका कैपिटल डेबिट सबसे पहले, उमर कैपिटल डेबिट होगा 70,000 से, बिल्कुल सही है, महमूद कैपिटल डेबिट होगा 13,333 से, अच्छा आप कह रहे हैं महमूद कैपिटल डेबिट होगा 13,333 से, अमाउंट कैसे निकाली बेटा आपने सर, महमूद का कैपिटल 80,000 था, उसके बाद उसको उसने जो रिवैल्यूएशन का गेन हुआ तो 90,000 हो गया, तो आप कैपिटल को क्यों देखें, ये कौन से पार्टनर्स हैं? अच्छा महमूद की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ उमर कैपिटल डेबिट हुआ ना, तो फिर उसके बाद आप महमूद कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं, तो महमूद कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं क्रेडिट, डेबिट कितने रुपए से कर रहे हैं, 13,333 से, सर एक मिनट शायद कुछ गलती हो गई, गलती मैं बता रहा हूँ ना क्या हो गई, ये तीनों इक्वल पार्टनर हैं, अगर ये 20,000 रुपए ज्यादा दे रहे हैं उमर को तो 20,000 कौन बर्दाश्त कर रहे हैं, महमूद और आफाक, और ये दोनों कौन से पार्टनर हैं, बोल भी रहा हूँ इक्वल पार्टनर, तो भाई कितने कितने से दोनों के कैपिटल, महमूद और आफाक के सर 10,000 पे डेबिट हो जाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और क्रेडिट होगा बोले क्या, कैश 90,000 से, कैश 90,000, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपका, बहुत शुक्रिया सर, क्या एंट्री बनेगी, आवाज कट गई,
अली भाई दोबारा सुना दें एंट्री, आपकी आवाज कट गई, अहसन भाई को आवाज ही नहीं गई आपकी। सर उमर कैपिटल डेबिट होगा 70,000 से। सही है। महमूद कैपिटल डेबिट होगा 10,000 से और आफाक कैपिटल डेबिट होगा 10,000 से। बेहतरीन। और कैश क्रेडिट होगा 90,000 से। बिल्कुल सही है। अहसन भाई अब मेरी आवाज में सुनना पसंद करेंगे क्या आप? नहीं सर आ गया। ओके मेरा बच्चा, और बताओ आप। बच्चों और बताएं आप क्या पोजीशन है? वैसे तो अभी 13 क्वेश्चन पे पहुंचे हम, क्वेश्चन और भी हैं। अगर आप चाहते हैं फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करना तो हम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर वाइस प्रिंसिपल ज़ैनब। बेटा व्हाट इज दिस, व्हाई यू आर नॉट कमिंग टू द कॉलेज? इफ यू आर नॉट कमिंग टू द कॉलेज काइंडली इन्फॉर्म योर टीचर। वी आर अरेंजिंग द क्लास फॉर यू एंड यू पीपल आर स्टेइंग एट होम। व्हाट इज दिस? नेक्स्ट टाइम व्हाट आई प्लान, व्हाट योर क्लास टीचर एंड मी प्लान, if your name on physical setup, that you are, if your name in in-person class and you are not attended the in-person class and you are staying at home, we going to leave from your in online classes too. Without so-called reason, how can you stay your home? If you are not coming to the college, kindly inform via email, or there is no rules and regulation. During the 6 months you have forgotten all the rules and regulations, and I am clearly explicitly explain you this procedure, that if your name is in person and if you are absent without so called reason, we are not allowed to attend the online classes too. Am I clear enough to everyone? Am I clear enough to everyone? Good, thank you. Bitte, this is for you. If you are not only taking opting online classes, the whole result is bang on you. How going to cope the results? How are you going to manage your presence? So please kindly do that. Okay, thank you, and next time anticipating your positive response on your attendance angle. ओके स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन 13 तक बात कर चुके हैं, तो अब बताएं हमें इसके बाद और कोई क्वेश्चन है जो डिस्कस करना है? क्वेश्चन 13 के बाद और कोई क्वेश्चन है आपके पास जो आप चाहते हो डिस्कस करना? क्वेश्चन 14 रिवॉल्यूशन से ही रिलेटेड है, क्वेश्चन 15 गुडविल मेथड है, अच्छा ये बताएं। ओके अमसल भाई का सवाल है क्वेश्चन 14 में। अमसल भाई कह रहे हैं क्वेश्चन 14 में परसेंटेज से कैसे जवाब निकालते हैं? अमसल भाई एक दो, ये दो के जवाब बताने हैं मुझे, ऐसे ही है? ओके क्या रहे 10% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल एस्टिमेटेड टू बी डाउटफुल। अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट जो ऊपर लिखी हुई है 2,70,000 विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल, उसके बारे में क्या रहा है कि इसका 10% हमें लगता है कि डाउटफुल है, हमें नहीं मिलेगा, ठीक है? तो 2,70,000 का 10% डाउटफुल कितना बना? 27,000 रुपीज लगता है हमें नहीं मिलेंगे, हमें इस नुकसान को किस अकाउंट में रखना चाहिए?
क्या हुआ? नहीं, हम हर फायदे नुकसान को किस अकाउंट में जमा कर रहे हैं? एक अकाउंट बना रहे हैं ना, कौन सा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, सही है। कितने से बनती है ये एंट्री? 27,000 से। अच्छा अमसल, अब दूसरा वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। तनिष से पढ़ लो दोबारा। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा कितने परसेंट से? 20% से बढ़ाया जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितने रुपए है बताओ बेटा? देखकर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितने रुपए है? 15 लाख, 15 लाख रुपए लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है। और इसे कितने परसेंट बढ़ाया जाएगा मेरा बेटा? तो 15 लाख का 20 बना 3 लाख, 3 लाख से बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में होगा। तो अब क्या लिखें, क्या डेबिट करें? इजाफा हो रहा है तो लैंड एंड बिल्डिंग की नेचर क्या है? तो इनकी जब वैल्यू में इजाफा हो तो एसेट बढ़े, तो हमेशा कहाँ लिखते हैं? एसेट बढ़े तो कहाँ लिखते हैं? तो डेबिट में लिखो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। अच्छा बच्चों, इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को रिड्यूस करना है। अब हम सर ये बताने की जरूरत तो नहीं है, परसेंटेज वाली बात बता दी मैंने तुम्हें। अच्छा एक और सवाल है, आपने से कोई मुझे बता दे तो अच्छी बात, वरना मुझे ढूंढना पड़ेगा जिसमें परसेंटेज में रेशो दिया हुआ। बच्चों एक क्वेश्चन और है, अगर आप हेल्प कर सकें जिसमें परसेंटेज में, जब परसेंटेज में रेशो दिया हुआ है, मैं उसे कंफर्म करना चाह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता किसी ने मिस्टेक ना की हो, या कोई आज करेगा तो फिर वो बाद में सवाल पूछे तो उससे बेहतर है कि हम कोशिश करके आज उसे गाइड कर दें। क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 14 रेशो पर जो क्वेश्चन 9 है, एक मिनट चेक करते हैं। नहीं यार वो क्वेश्चन है बच्चों जिसमें ना प्रॉफिट और लॉस बांटने का रेशियो परसेंटेज में दिया हुआ है। क्या रहा हूं बुक में क्वेश्चन है, खुद ही देखो तो स्क्रीन आपको बताए, देखना कितना मुश्किल काम। जरा भाई देखना, बुक में एक सवाल है जिसमें प्रॉफिट और लॉस बांटने का रेशियो ना परसेंटेज में दिया हुआ है। क्वेश्चन 14 में कहां है? इसी में। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा। 25, 45 and 30, जबरदस्त काम हो गया, बेहतरीन, सही है। अच्छा अब मजे की बात ये है, जाने वाले पार्टनर को पैसे मिले रिवैल्यूएशन से ज्यादा। एक और सवाल होगा जिसमें इस तरह 25, 45 और दिया होगा, बताओ जल्दी से। मीटिंग के लास्ट 10 मिनट्स है अब हमारे पास, हम इसके बाद मीटिंग कंटिन्यू नहीं करेंगे, सही है। मीटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लिक्विडेशन के बारे में बात करूं अगर आप बोले तो मैं 7-8 मिनट, वरना ये बस मैं एक बता दूं फिर लिक्विडेशन पे थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, सही है। क्वेश्चन 9 में चेक करूं, ओके। हाँ ये रहा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या कंप्यूट करना था? रिवैल्यूएशन
therefore y and z are ready. हाँ बच्चों क्वेश्चन 9 बहुत 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 शुक्रिया अमसल भाई आपका आपका बहुत शुक्रिया अहसन भाई अब तमीज से समझ लें आप अगर आपने इसको अच्छे से सुना समझा तो फिर सही है मैं आपकी बात मान लूंगा लेकिन अब आप गौर से सुने बेटा आप भी गौर से सुनेगा मेरा बच्चा हाँ बहुत ध्यान से ये अच्छा हुआ ये सवाल हमारे सामने आ गया अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं ये बताओ कौन जा रहा है बिजनेस से जल्दी जल्दी वक्त कम है हमारे पास एक्स जा रहा है बिजनेस से एक्स कितने का मालिक था देख के बताओ एक्स 60,000 का मालिक था एक्स बिजनेस से कितने रुपए लेके जा रहा है बोलो एक्स कितने रुपए लेके जा रहा है एक्स डिसाइड टू रिटायर एंड ही इज पेड रुपीज कितने का मालिक था और लेके जा रहा है 72 ज्यादा या कम ज्यादा ज्यादा ले जाने की कितनी वजह हो सकती है 3 गुडविल रिवैल्यूएशन और बोनस अब यहां देख के बताओ कि क्या है वजह उसने बोला है कोई वजह बताइए सवाल में क्या बोला है क्या बात है खुश रहो मेरे भाई बोल रहा है वाई एंड जेड आर रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल ये नहीं लिखा कि आज गुडविल मेथड है बोनस मेथड है रिवैल्यूएशन बस बोला कि वाई और जी बाकी बचने वाले पार्टनर अपने कैपिटल को कम करने को राजी हैं तैयार हैं तो ये बोनस मेथड हो गया सही है और अगर ये बोनस मेथड है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जल्दी से जरा बोनस की एंट्री कंपटीशन छोटी सी करके एंट्री बना लें अगर बनाना चाहें सर एंट्री क्यों बनवा रहे हैं एंट्री ही तो असल में चेक करवानी है मुझे आपको 12,000 रुपए बोनस है ये तो आप सबने मुझे बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह जब जाने वाला मालिक ही कितने का है कितने का मालिक है नहीं जाने वाला जान कितने का मालिक है 60 का और लेके जा रहा है 70 तो 12,000 ज्यादा लेके जा रहा है उसे 12,000 रुपए कौन दे रहे हैं तो वो अपने कैपिटल को क्या कर रहे होंगे कम तो अब एंट्री बनाओ अपने पास देखो एक्स कैपिटल डेबिट 60,000 Y और Z कैपिटल भी डेबिट इनके अमाउंट तुम बताओगे अल्लाह के हुक्म से मुझे और कैश क्रेडिट X कैपिटल डेबिट 60,000 Y और Z कैपिटल डेबिट अमाउंट तुम बताओगे और कैश क्रेडिट हो गया 72,000 रुपीस अब क्वेश्चन ये रेज होता है कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए उसे 12 तो 12,000 का नुकसान कौन कौन बर्दाश्त करेंगे वाई एंड जेड क्या बराबर बराबर करेंगे उनका रेशो क्या था देख के बताओ 35 and 25 तो अब 35 और 25 कैसे निकालोगे बताओ 12,000 मल्टीप्लाई बाय हाँ बोलो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4,200 अच्छा कैसे आया बताओ 12,000 यही तो भंडुआ ना बेटे यही तो ब्लेंडर करते हैं आप लोग आप इतने जहीन हो के भी ये ब्लेंडर कर जाते हैं और एक नहीं एक से ज्यादा लोग ये ब्लेंडर करते हैं पता नहीं क्यों अरे अकलमंद लोगों और बेवकूफ लोगों ये देखो 40, 35 और 25 लिख के दिखाता हूँ लिखने से कुछ चीजें लिखने से समझ आती हैं क्या है 40 फिर 40 के बाद क्या है भाई 35 और 25 ये देखना जरा कितना बन रहा है 100 है ना 40, 35 और 25 100 बनता है मिला के तो 40 डिवाइड बाय 100 करते हो 35 डिवाइड बाय 100 करते हो 25 डिवाइड बाय लेकिन आज 30 की आंखों से देखो x तो चला गया तो x का 40 तो खत्म हो गया तो कौन कौन बचे तो भाई इसका टोटल क्या बन रहा है
तो आप 40 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो तबाह बर्बाद नहीं होगा सवाल, अकलमंद लोगों नहीं समझ आया तो क्या होना चाहिए फिर? सर ये दोबारा बता दे। अबे भाई अल्लाह के बंदे एहसन, तुम जैसे सही लोग ये सवाल कर रहे हैं मुझसे यार, वो भी दोबारा। भाई जब 40% 35% और 25% था तो 40, 35 और 25% मिला के कितने परसेंट बनता है? तुम चाह रहे हो मैं इसमें परसेंटेज साइन लगाऊं? तो ये लो लगा देता हूं भाई 40%, 35%, 25%। तो जो जवाब आएगा वो भी होगा कितने परसेंट? 100%। लेकिन जब मिस्टर एक्स ही बिजनेस से चला गया तो अब कौन कौन बचा? ये था एक्स, ये था वाई और ये था जी। बेटे एक्स तो चला गया ना बिजनेस से, तो एक्स को ज्यादा पैसे जो मिल रहे हैं वो कौन दे रहे हैं? वाई और जी। तो वाई और जी अपने कैपिटल को क्या कर रहे होंगे बोलो? तो अब कितना कितना कम कर रहे होंगे? 35 डिवाइड बाय 100 और 25 डिवाइड बाय 100। अगर ऐसा करोगे तो कभी भी बैलेंस नहीं होगी एंट्री। हाँ, इसका मतलब है ऐसा, समझ में आ रही है बात? अगर आप इसका रेशो, आप रेशो निकालना चाहते हैं रेशो निकाल लें, लेकिन ये ऑलरेडी परसेंटेज को भी कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले हो रहे थे 100 में से 40, 35 और 25 हिस्से, अब होंगे कितने? अब होंगे कितने? 60% में से 35% वाई के, जेड के 25%। जी सर, अलीरजा साहब। सर ये जो आप बोल रहे हैं कि रेशो आप निकाल के कर सकते हो, हाँ हाँ सर, तो एक का कैपिटल है 25,000 और एक का है 47,000। कैपिटल से रेशो नहीं निकालना, उनके रेशो, इनकी परसेंटेजेस से रेशो निकालना है भाई। वहां लिखा है कैपिटल से रेशो निकालो, रेशो तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना आज परसेंटेज में। तो आप अगर इस आपको परसेंटेज से एलर्जी है, जो कि मुझे लग रहा है ना एलर्जी है, क्योंकि आप क्या ब्लेंडर कर रहे हैं, आप कर रहे हैं 35 डिवाइड बाय 100, आप कर रहे हैं 25 डिवाइड बाय 100। तो ऐसे लोग जो ये ब्लेंडर कर रहे हैं उनसे कह रहा हूँ कि वो क्या करें, यहाँ से भी परसेंटेज कैंसिल, यहाँ से भी परसेंटेज कैंसिल। अब 35 और 25 कौन से टेबल में आते हैं? 5 7 35 5 5 25। रेशो क्या बन गया? 7:5। 12 इससे होंगे 7/12, 5/12। ऐसे कर लो भाई, समझ आ रही है? परसेंटेज में नहीं करो। अभी भी समझ नहीं आया साहब? बोलो हरीम, बड़ी देर बाद समझ आ गया। हरीम आपका बहुत देर, आखिरी मिनट चल रहा है मेरी साइड से, मैं फियामान अल्लाह कह देता हूँ। इंशाल्लाह अगली क्लास में अल्लाह के हुक्म से परसों मुलाकात होगी और लिक्विडेशन का चैप्टर शुरू करेंगे। कोशिश कीजिएगा मंडे को आप सब लोग प्रेजेंट हों, और जो वाइस प्रिंसिपल मैसेज दे के गई हैं उसके मुताबिक आप लोग क्लास को अटेंड करें। शुक्रिया। कोई सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हैं। आप कहते हैं तो मैं दोबारा मीटिंग में आके 2-4 मिनट के लिए आपके सवाल एंटरटेन कर लेता हूँ अगर ज़रूरत है, वरना आप अगली क्लास में ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अमाउंट बता दिया आपने मुझे,